नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम रोहतक गेट पर खड़े हैं। आपको पीछे काफिला दिख रहा होगा, फ्लैग मार्च पुलिस के द्वारा यहां पर निकाला जा रहा है। आपको बहुत सारी गाड़ियां और पूरा शहर अचंभित है कि वजह क्या है। आपको बता दें, मेवात की घटना के बाद पूरे हरियाणा में शांति बनाए रखने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। हर जगह फिलहाल पुलिस बलों का जिस तरीके से आम जनता के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है उसको दिखाते हुए यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। फिलहाल पुलिस अधिकारी क्या कुछ कहते हैं इस फ्लैग मार्च को लेकर के, उनसे बात करेंगे। भिवानी जिला के भिन्न भिन्न इलाकों के अंदर इलाका थाना भिवानी शहर व अन्य इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है शांति कायम करने के लिए। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आम जनता से? आम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि वो कोई अराजकता फैलाने वाले या सामाजिक तत्व किसी किस्म की अफवाह फैलाते हैं और समाज में जो है वो माहौल ख़राब करते हैं, तो उनके बहकावे में ना आए और शांति बनाए रखें। बाकी निपटने के लिए पुलिस जो है वो तैयार है। ये फ्लैग मार्च भिवानी से खरक कलंगा इस बामला इस इलाके रूट से होता हुआ जुई भवानी खेड़ा बरडा साइड नियर बाई जो भी मतलब इलाके मैक्सिमम एरिया कवर करेगा। सड़क पर डेमो दिखा रहे हो या लोगों को समझा भी रहे हो? डेमो नहीं, हम तो अपना फ्लैग मार्च शांति कायम करने के लिए कर रहे हैं। डेमो का क्या है कि ताकि लोग खुद को सिक्योर माने, इसी मकसद। हाँ, लोगों में विश्वास पैदा रहे कि पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए तत्पर है। एडवाइजरी जारी कर रखी है। ऐसा मामला आता है तो पुलिस से किस तरह से संपर्क किया जा सकता है, कैसे हेल्प हो सकती है? तो हमारे वो जगह जगह सूचना के हमारे पास 112 के और गाड़ियाँ काफ़ी एक तंत्र है छोड़ा हुआ है जो किसी भी समय उसको कॉल करके बता के पुलिस 24 घंटे के लिए अलर्ट है। क्या सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव जैसे जो जगह हैं वो? हाँ, वो कुछ हम वो कुछ चिन्हित किए हैं, उन्हीं इलाकों के मद्देनज़र ये रूट अरेंजमेंट किया गया है। तो वहाँ भी कोई अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती? अगर अलग से नियुक्ति है जो बिल्कुल एक्टिव, छुट्टियाँ बंद कर दी गई हैं और राइडर PCR जो भी हमारे पास रूट पे तंत्र है वो एक्टिव मोड में ला दिया है उसको। सर्कल अफवाहों से बचने के लिए भी हिदायत जारी की गई, हम लोग कुछ कहना चाहेंगे सर? तो वो तो मैं अब भी कह रहा हूँ कि अफवाहों के बहकावे में किसी के नहीं आना। हाँ, खाम खा के अफवाह फैलाने वाले बहुत होते हैं जो इस समय का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उस लोगों के बहकावे में ना आए और शांति बनाए रखें।